आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो नारियल पानी पिया ही होगा, और आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि इस नारियल के अंदर पानी जाता कैसे है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार नारियल के अंदर पानी घुसता कैसे है। डेंगू मलेरिया की जब बीमारी आती है तो उस समय डॉक्टर्स आपको दवा के सजेस्ट करेंगे नारियल पानी पीने के लिए। अब नारियल पानी पी तो लें, लेकिन इसमें पानी जाता कैसे है भाई? देखिए, नारियल पानी के पेड़ ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं, जहां पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है और ग्राउंड वाटर भी होता है। जैसे केरला, गोवा, कर्नाटका जैसे कोस्टल एरियाज में बढ़िया नारियल उगते हैं। अब नारियल का पेड़ जब बड़ा होता है तो बिना किसी न्यूट्रिशन के तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो ये खुद को ग्रो करने के लिए जमीन से पानी खींचता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओसमोसिस। और इसी प्रोसेस के थ्रू पानी नारियल में भी जाता है, और जो पानी नारियल में जाता है उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ये उसकी ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे हरा नारियल जब पुराना होने लगता है तो उसका पानी मलाई में बदल जाता है। और नारियल पानी पीना आपके लिए तो वैसे भी बहुत सेहतमंद है। ऐसी और धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें।